और पंडित जी, ज्योतिष विज्ञान में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाली शनि और मंगल एक राशि में एक साथ आ चुके हैं, जो साल के अब तक के सबसे अशुभकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। पंडित जी, जैसा कि आप पहले से ही बताते आए हैं कि जब जब शनि और मंगल एक साथ आते हैं, तब तब देश और दुनिया में अशुभकारी घटनाएं जन्म लेती हैं, तो क्या माना जाए शनि और मंगल की युति देश के लिए कैसी साबित होने वाली है? बिल्कुल चांदनी, सबसे पहले तो एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि 9 ग्रह और 12 राशियों के सिवाय पत्ता नहीं हिल सकता। आप रंक से राजा बन जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं, चाय बेचते हुए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, शेफर्ड बॉय मतलब बकरियां चराते चराते हुए अमेरिका के सबसे प्रथम राष्ट्रपति बन जाते हैं, 200 रुपए कमाते हुए शाहरुख खान बादशाह बन जाते हैं। इसी तरह ग्रहों की रचना ब्रह्मांड के ऊपर, देश के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर, राजनीति के ऊपर बिल्कुल सटीक पड़ती है अगर अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जाए। अब बात आपने की शनि और मंगल की। शनि तो डेफिनेटली तुला राशि में उच्च के बैठे हुए हैं और 12 तारीख को राहु और केतु की अगर विशेषता देखें तो राहु और केतु उससे अलग हो चुके हैं, मगर उनके अलग होने से राहु केतु तो तब भी उनके छाया ग्रह हैं। उसके साथ में जो 14 तारीख को शनि के साथ में मंगल आकर प्रवेश कर चुके हैं, वो अशुभकारी माने जाते हैं। आपको मेरे पिछले 3 एपिसोड याद होंगे, 3 एपिसोड्स में मैंने बोला कि जब जब शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं राजनीति में आपदा आती है, धर्म युद्ध जैसा वातावरण बनता है। जैसे आपने पिछले दिनों साई और शंकराचार्य में विवाद देखा, अभी कुछ नया विवाद आपके सामने आ सकता है। एक दूसरा, विस्फोटक गतिविधियां होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। आपको याद होगा मैंने हमेशा इस शनि मंगल की युति में बोला है कि हवाई दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आपको केरला का किस्सा याद हो तो वहां पे भी शनि मंगल इकट्ठे थे। अभी कल मलेशिया का एक और विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो भी आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी इसका असर पड़ेगा और विस्फोटक घटनाएं जो हैं वो होती हुई दिखाई देती हैं बेटा।